तो आज है जन्माष्टमी, तो आप लोग को जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। तो जितने भी व्यूवर्स है और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और मेरा पूजा हो गया, आज हम सुबह से सब काम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइम हो रही है, पता कितना, एक मिनट, मेरा फ़ोन में ना टाइम हो रही है 12:30, हुआ नहीं 12:30, मतलब 12:23 हो रहा है। तो मेरा पूरा काम खत्म हो गया, हम पूजा कर लिया, सब हो गया। और बारिश हो रहा बहुत ही अच्छा, 2 दिन बहुत कड़ा धूप किया था, तो बहुत ही अच्छा गुड लक था मेरा कि मेरा कपड़ा सूख गया था, तो बहुत कपड़ा भी धोए थे। और आज फाइनली बारिश हो रहा, मतलब धूप सड़ा भी दिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो ब्लॉग को पूरा देखो आप लोग, बहुत ही मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में, क्या क्या करते हैं आप लोग देखो। और अभी हम बना रहे हैं फिलहाल, इसको ब्रेड का बना रहे हैं ना, तो इसको सर डिमटोस बोलते हैं ना, अंडा देखिए जो बनाते हैं, तो हम अपने लिए बना रहे हैं डिमटोस। हम टिफिन नहीं किए हैं, तो हम टिफिन करेंगे। तो हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और अंडा रेडी कर लिए। हम अंडा खाएंगे क्योंकि जन्माष्टमी मेरे यहाँ कान्हा जी नहीं है, बस जो मेरे भगवान जी, हम उनका पूजा कर चुके हैं, तो कान्हा जी नहीं है हमारे यहाँ, बस कान्हा जी को दिल में रख के पूजा। कान्हा जी पता है विष्णु भगवान का रूप है ना, कान्हा जी विष्णु भगवान का रूप है। तो विष्णु भगवान का और एक अवतार है कछुआ रूप है, तो मेरे पास कछुआ है, तो हम कछुआ को पूजा कर लिए और मेरा हो गया, मतलब बहुत सारा अवतार है ना सबका। मेरा दवा खाली पेट का, हाँ बाटी थोड़ा पता है, 2 कपड़ा वहाँ डाले हैं, उसको लाना पड़ेगा। तो ये मेरा खाली पेट का दवा है, हम पहले इसे खा लेते, नहीं तो हम इसे भूल जाते हैं हमेशा। मुँह में एक बार खाना ले लेते हैं तो फिर मुझे याद आता है कि मुझे दवा भी खाना। 10 दिन दिया था, 10 दिन में ख़त्म भी नहीं हो रहा। लाइट बंद कर देते, भगवान जी मेरे खाना खा रहे, तो डोंट डिस्टर्ब भगवान जी, करोगे पहले दवा खाते, हमारा दवा लेके भाग गई। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। और नाइटी में है सिंपल, क्योंकि हम ज़्यादा ड्रेस अभी वेयर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी लगता है मेरे किचन में, बुखारी खुला खुला तो भी गर्मी लगता ही है ना खाना बनाने में। तो हम वीडियो शूट करना होगा तो रेडी होगा, नॉर्मली जैसे है वैसे दिखा रहे हैं। तो हम अपने अंडा में डाले नमक, भूख लग गया है थोड़ा सा, तो हल्का सा खा लेते हैं, फिर लंच रेडी करेंगे, देखिए क्या रेडी करते हैं। तो सब्जी है मेरे पास बहुत सारा, क्या बनाएंगे देखते। पहले तो हम बाहर कपड़ा डाले, बारिश बहुत तेज हो गई, और थोड़ा सा डाल रहे हैं मरीज पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, हम इसको बना के रखते हैं पाउडर। ऑयल हो रहा है गर्म, अब हम इसको फेट लेते हैं। और इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम जो भी दिक्कत खाएँ तो कैसे ज़्यादा ओवर लगता है, वैसा हो जाता है मेरे साथ। अली प्याज खाने आइए, इसको तो अच्छा लगता है खाना, बताओ। तो ये गाइस, टिफिन उफिन करने के बाद अभी चल रहा है सब्जी कटिंग। तो सब्जी क्या बना रहे हैं वो हम आप लोग को दिखाते हैं, पहले तो हम अपने फ़ोन का स्टैंड कर लेते हैं। तो सब्जी बना रहे हैं हम, करेला का भुजिया और सजना डाटा का सब्जी। आप लोग तो इसका दाना निकाल रहे हैं, हम लोग को इसका दाना पसंद नहीं है करेला का, तो करेला का दाना निकाल रहे, बनेगा भुजिया और थोड़ा सा दाल बनेगा, एकदम थोड़ा सा बनेगा हमारे के लिए और बाबू के लिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और सब्जी बनेगा सजना डाटा का सब्जी, सब्जी चलो कट कर लेते हैं, बनाते हैं।
ये हम चढ़ा दिए, इधर में दिख ही रहा होगा कि चावल है, इधर थोड़ा सा दाल चढ़ा दिए बाबू के लिए, मायना के लिए, और भुजिया छौंकने वाले हैं, तेल देखो मेरा गर्म हो गया मेरा, तो इसको डालेंगे और भागेंगे। और मुझे काफ़ी जोर से नींद आने लगा था, सब्जी काटते काटते मुझे इतना नींद आने लगा कि हम सोचे पहले खाना ही बना लो फिर हम सोने जाएंगे। सच में मुझे नींद आ रहा, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा। अभी बोलेंगे ना कि वो अगर मुझे सो जाओ तुम्हारा खाना रेडी हो जाएगा, हम पक्का सो जाएंगे, और बाबू को खाना बनाना नहीं आता, मुझे बनाना पड़ेगा। सब्जी तो बन रहा है और दूसरा सब्जी का कट करके रेडी है, मसाला पीस लेते हैं जल्दी से। मसाला हम सजना डाटा बनाएंगे हम सरसों वाला, तो हम सरसों निकाल लेते हैं इसे, थोड़ा सा सरसों लेंगे नहीं तो फिर गाढ़ा गाढ़ा मसाला हो जाएगा, तो हम हमेशा सरसों दोनों मिक्सिंग लेते हैं, तो हमेशा सरसों काला और पीला दोनों मिला के लेते हैं। तो हम जितना मेला देखे सब्जी उसमें एक तरह लेंगे पीला वाला है ना, थोड़ा सा एक चम्मच भी नहीं हो, छोटा चम्मच से एक चम्मच और छोटा चम्मच से आधा चम्मच ब्लैक वाला लेंगे, उसी में पूरा सब्जी गाढ़ा हो जाए। तो सरसों ज़्यादा मतलब पीसने के बाद जब बनाओगे तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो जितना कम लो उतना अच्छा बनेगा, तो इसीलिए और ज़्यादा मसाला नहीं खाते, तो दो आदमी में क्या मसाला वाला। तो दाल भी बनी गया, बस दाल को घाट के और उबाल देंगे मुझे एक बार उबलेगा, तो ये मेरा बन गया दाल। चाहती थी मैं सीख जाता, बस जब तक उसका गैस जम देना उतना देर तक उसे छोड़ देंगे, और जैसे गैस पूरा खुद से ख़त्म हो जाएगा उसका, तो फिर खोल के उसे भाटेंगे, भाट मतलब दाल को फेटेंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लेंगे, हो जाएगा दाल रेडी और भात 5 मिनट में बन जाएगा। अभी तो हम चलाएँ 5 मिनट में बन जाए, भिंगा देने से एक है कि चावल फूल जाता है, और भिंगा देने से नहीं कि चावल बहुत अच्छा फैलता है और बनता है, तो हम इस तरह बनाते हैं। तो हम ये तो नमक को डाल लिए पर हल्दी नहीं डाल पाते, क्योंकि हम हल्दी का मेरा डब्बा के ऊपर ही फोन लगाया हाँ। हल्दी में कुछ है चालना पड़ेगा, पर हल्दी चालेगा कौन लोग, तुम मिले करके ज़्यादा करके तुम उसमें से ही दे रहे हो। सात बजे से उठने का कोशिश करते करते मतलब 7 बजे से आँख खोल गया था, करते करते रात 8 बजे बिस्तर छोड़ दिया, तो 7:45 बजे बाबू निकले बाहर, तो हम 7:45 बजे उठ गए थे, और रात को हुए थे 1:30 बजे, नींद बिल्कुल नहीं होता, 8 घंटा 8:30 घंटे से सुने नहीं होते, तो मेरा और भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, और आँख वाँख के नीचे से पूरा दाग हो जा रहा है। और डॉक्टर जी मुझे एक दिए नींद का दवा, एक दिए पेन का दवा, एक दिए है गैस का दवा, जो कि हम नींद का दवा जब खाते तो ओवर नींद आने लगता, दिन में भी मुझे नींद आने लगता, तो हम बीच बीच में गैस कर दे रहे हैं, बीच बीच में खा रहे हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं हो रहा, तो दवा खाने के बाद से नींद कहाँ से करेंगे, मतलब तो और तबियत खराब हो जाए, नींद आएगा नींद का दवा खाएंगे और नींद पूरा नहीं करेंगे तो तबियत खराब होना बनता ही पक्का है, तो आप लोग को आइडिया होगा नींद का दवा लेने के बाद भी नींद को तोड़ के जगह रहो तो चीज़ कितना ज़्यादा आँख से तर में प्रेशर होगा, तो मुझे तो फिलहाल बहुत नींद आ रहा, पर ये मेरा दाल तो थोड़ा देर बाद और साथ बन जाएगा थोड़ा देर में, और ये भुजिया कितने करेंगे और सब्जी बनाएंगे, मतलब सब्जी बनेगा लास्ट मेरा खाना कहीं हो जाएगा। चलो हम इसका थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल देते हैं और थोड़ा कच्चा मिर्ची चलाएंगे इसको, तो कच्चा मिर्ची को पीटा करेंगे, ग्रीन वाला नहीं डालते, जल्दी हम कलर के लिए खाली कलर वाला डालते हैं, कश्मीरी डालने तो पीछा नहीं होता कलर आता, तो ग्रीन मिर्ची हम हमेशा यूज़ करते हैं पीछा करने के लिए सब्जी का, आप लोग भी यूज़ करो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हम चलो मसाला तो पीसते हैं, एक तरह आप लोग देखते रहो आज का दिन मेरा इस तरह का मसाला, तो आप लोग देखते रहो और हम बनाते जाते हैं, ठीक है अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करें, पर बहुत नींद आ रहा था कल से पता चला ना, इतना बात करने के बाद भी आँख नहीं खुल रहा, इतना ज़्यादा मेरा बैंड वाला बहुत खराब, लड़की और फोन लगी, लड़के की खाना बनाने आती है उसी से शादी करना, नहीं तो मेरा जैसा हालत होने वाला आपको, कभी तो जिसको खाना बनाने आएगा उसी के साथ शादी करना, कभी नींद नींद आए ना तो आराम से सो सको ऐसा वाला खोलना, ठीक है।
रोल उठा। थैंक यू। बारिश का मजा है। बारिश का मजा नहीं है। हेलो, मेरे दोनों ऐसी बैठ के फरमाइश करते रहते हैं मेरा काम का भी। अरे मेरा वीडियो बन गया है तो ये गोटा गोटा हम नहीं छोड़ते, इसको हम ना तोड़ देते, जब सीख जाता ना, जब हम ऐसे ऐसे इसको करते हैं पूरा कट जाता है, कट जाता तो फिर बड़ा ही अच्छा लगता है। बोतल में तोड़ देते हैं, देखो वहाँ प्लेट में, तो इसको हम ऐसे ऐसे कर देंगे ना पूरा, मतलब मैश टाइप का, पूरा मैश नहीं करेंगे, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा मिला जाता तो फिर बहुत मज़ा आता है उसमें। देख लो बिना दाना का इतना मज़ा आता ना, मतलब बीच में दाना नहीं आएगा कट कट करने के लिए, इसीलिए दाना हटा देते हैं। और हाँ देखो होने ही वाला है पूरा, और सब्जी का इतना रेडी कर चुके हैं, और बस आलू काटेंगे और सब्जी बनाएंगे। अभी तो इसको जब तक ये थोड़ा गलेगा, अभी गलेगा मतलब इसको तोड़ दिया तो अभी सीख गया, रेड रेड हो गया, तो अब इसके बाद इसका इसका और भी अलग लुक आएगा जब इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं बताएं, हम इसको सीजने के बाद इस तरह कर देते हैं हमेशा, खाने में अच्छा लगता है। कभी आप लोग भी ट्राई करना, गोटा गोटा करेला देख के जब लगता है बुखार आ गया, तो ऐसे कर देने से मज़ा आता है। और प्याज ज़्यादा करके डालते हैं, मतलब करेला का 50-50 में डालते हैं प्याज पूरा, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। देखो प्याज दिख रहा होगा पूरा गोल्डन गोल्डन वाला, तो चलो आप लोग देखते रहो फिर आगे का क्या क्या करते हैं। आप लोग लाइक ज़रूर करना ठीक है, और क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है कमेंट भी ज़रूर करना बताना, और अच्छा लग रहा है अगर नहीं देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अपने जितने भी ग्रुप में हैं सबको शेयर करो। आज हम भले किचन का दिखा रहे हैं, और भी रहता है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे टाइप की वीडियो बनाती है, तो आज का बस ऐसा शूट कर रहे हैं। आज का सिंपल है, मुझे नींद आ गया है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा अंदर से, तो हम जो कर रहे हैं बस वो आज दिखाएं कि आज हम क्या कर रहे हैं, अपना दोपहर कैसा कटाएं, बहुत फास्ट फास्ट कब कर लिए, तो ये हम शेयर किया आज का वीडियो में, कैसा लगा आप लोग अपने बताना ज़रूर। थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे तो मेरा आधा सब्जी मतलब मसाला भून दिए थे, कितना रेड रेड लग रहा है ना, जो मिर्ची का बनाया सब्जी रेड रेड लग रहा है। अब हम काटेंगे अभी थोड़ा सा धनिया पत्ता, हमें फूल रखना है, थोड़ा सा काटेंगे धनिया पत्ता, बहुत ही अच्छा लगता है मिर्ची, और इसके ऊपर डालेंगे अगर सब्जी बनेंगे खाना बनेंगे खाना कम्प्लीट। और एक रील्स बनाएंगे, पता नहीं हम उसे पोस्ट करेंगे या फिर स्टोरी लगाएंगे, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जरूर चेक करना। अभी तुरंत बनाएंगे हम जी चलिए ऐसे बना दिए थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोग चेक करना जरूर इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट भी चेक कर लेना। हाँ हाँ बोलो, हमें कौन सा पड़ेगा मोस्ट वेलकम। हाँ क्या क्या सीखना पड़ेगा थोड़ा, दोनों खाते हैं दोनों में, तो मैंने दही खा लिया, मैंने खाई भात ना बेटा, भात खाएगी बस बाबा बस, यहाँ पे मैंने बहुत पानी खाती है क्योंकि यहाँ पे पानी का कमी नहीं है, इसीलिए हमारा पानी बहुत खाँसी है, और हमारा आजकल फट फट बाहर निकल जा रही है घर से क्योंकि यहाँ नीचे का फ्लोर में है और बाहर भाग जा रही है, बहुत स्पेस है, मतलब बाउंड्री वाला उसके अंदर में बहुत नहीं नहीं वो नहीं खोलो, फिर पानी का छिटका आता बहुत, चलो भागे यहाँ से बहुत हो गया। हाँ बस बस जाओ, देखो बदमाशी जाओ, वाइफ से मैं पूछ लेना, वाइफ से मैं पूछ लेना, हमें दही लगाओ, ऑयली ऑयली हो गया कर दो भी, हाँ क्या पापा हम बात नहीं करेंगे, हम तो कर देंगे, हम नहीं करने देंगे, हम आपसे बात करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, तो चल रहा है लास्ट प्रोसेसिंग मेरा सब्जी का, बहुत ही अच्छा लुक देने का, बस मेरा इतना हम आलू को फ्राई करते कि आलू मेरा फ्राई करते करते सी जाता है। ओके ओके तब तक मेरा आलू सीख जाता है, देखो काफ़ी छोटा छोटा कट कर लिया, और ये थोड़ा सा गलेगा, मतलब एक भूलने जैसा इसका लुक आएगा, पर पता दिखे तो मज़ा आता है, मतलब ये पूरा मुरझाएगा नहीं, इसका सेम कि मतलब जो खुल होता है पूरा सब्जी में खड़ा रहेगा, तो कंपनी में है ना, तो कभी आप लोग भी ट्राई करो, इसके पहले भी बताए थे, तो मेरा सब्जी भून लिए, चलो इधर लगाते तो आप लोग देख पाओगे, काफ़ी बड़ा वीडियो बना दिया है हमें एडिट करने में, मेरा बच्चे में बैठ गया, तो दिख रहा है आप लोग को मेरा कथा ही देखो दिख रहा है। चलो नमक डाले थे हम, आप लोग को दिखाया नहीं था, तब हम ग्रिल शूट कर रहे थे, तो नमक डालना अपना टेस्ट किया, और मिर्ची अपना खाने के हिसाब से डाला, ये सब्जी ज़्यादा मिर्ची ले नहीं पाता है, तो अपना सोचा मिर्ची डालना, सजना डाटा मिर्ची लेके कहाँ जाएगा, वही पानी में रहेगा।
सब्जी का लुक दिखाते हैं, बस हो गया। एक बार मतलब एक उबाल आएगा उसमें, बंगाली में बोले एक बार फुटबे हमारे तरकारी, बस हमारे तरकारी रेडी हो जाएगी। जल दिए जलटा एक फुटे जाए, पूरा मसाला फिर नमक मसाला मिल जाएगा, तो फिर मेरा कम्प्लीट। और ये बोतल मेरा खाना बनाने का ही हमें से रख दिया है, क्योंकि हमारा जूठा कर देती है, पी थी आजकल बड़ा बोतल से पीने का मैंने, तो खाना बनाना चाहिए हमेशा अच्छा, जो कि जैसे खाना बचता है तो हम लोग उसे रखते हैं। तो हिंदी में उसे बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब मेरे घर में मम्मी बोलती थी मेरी मम्मी की, मतलब तो ये देखो मेरा सब्जी का लुक कितना मज़ेदार लग रहा है, लग रहा है कोई चिकन विकन डुबाया हुआ है, पर ये चिकन नहीं है, ये सजना डाटा है, और हमें बनाया सरसों वाला मसाला का। तो ये देखो काफ़ी पतला है, कोई भी गाढ़ा नहीं है, आप लोग सोचो कि गाढ़ा मसाला मसाला एकदम पतला है। ये थोड़ा सा पानी है तो सूख जाएगा इसमें, मतलब ये आलू देखो, आलू मेरा पहले ही सीज गया है ना, तो मैं ऐसा ही भूनते हैं कि इतना भुना हुआ आलू ना खाने में भी मज़ा आता, देखना आप लोग बना, मतलब आलू भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये बन गया देखो कितना अच्छा, बस थोड़ा सा उबलेगा पानी उस टाइम में, मतलब काला और पानी घुस जाएगा नमक वमक, तो और अच्छा लगेगा। बस ये सीजे भाव मेरा हो जाएगा, आज हम बंद कर देंगे, मतलब कम से कम 5 मिनट अगर उबलेगा तो काफ़ी, क्योंकि पानी भी सूख जाएगा नहीं तो। और ये थोड़ा सा बर्तन निकला, एक ही बार खाने के बाद देंगे क्योंकि फिर निकलता है मेरा बर्तन, तो एक ही बार सब बोलेंगे। चलो चलते हैं उधर बाबू की तरफ, खुद ही करना कर लेते हैं, और मेरा सब्जी को सब्जी उधर में ही बोल जाएगा। देखो धनिया पत्ता घुस गया, नील देख लो बहुत साफ है मेरा, नील गंदा नहीं रहता मेरा, इतना पीसते किए थे साफ हो जाता, हमको कभी भी नील क्लीन करना नहीं पड़ता, थोड़ा सा बस सेव करते हैं या फिर कट करते हैं। देखो गंदा नहीं दिखेगा, नहीं सूखेगा। और सजना डाल खा के सो जाएंगे एक ही बार, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज्यादा। तो टाइम हो रहा है 3:10, सब काम फिनिश है, बस खाएंगे और उसके बाद बर्तन वर्तन धोते धोते बोलते हैं ना सो जाएंगे, सोना नहीं होगा, देखना आप लोग इसको एडिट करके आज ही डालेंगे, सोचे तो है यही, पर डालना अच्छा होगा आज ही। आप लोग मुझे इसी तरह प्यार और सपोर्ट बहुत सारा दे दो, क्योंकि बहुत ही मेहनत आप लोग देख रहे हो। नींद मेरा एक बार टूट गया अभी, और इस हालत में नींद टूटने से कितना सर में दर्द होता है आप लोग को शायद अंदाजा हो गई, बहुत सर दर्द पकड़ लिया ऑलरेडी मेरा, नींद टूटा, रील्स बनाते बनाते जो गाना सुने ना तो नींद टूट गया, पर सर में लग गया झटका, क्या कर सकते हैं, अकेला का जिंदगी ऐसा ही होता है ना, पर मज़ा आ रहा है मुझे, मेरे लाइफ से हम खुश है। खिड़की के सामने बैठे बिना पंखा का देखो कितना अच्छा हवा आ रहा है, कुछ नहीं कैसा लग रहा आप लोग को बताओ, मुझे देखना है ना, सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत है मुझे आप लोग की सपोर्ट का। तो चलो ये ब्लॉग को यही हम करते हैं, खाना पानी खाएंगे, बर्तन वर्तन नहीं है इसके बाद का दिखाएंगे ज़्यादा, तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो पूरा काम ही दिखा दी। अगर देखना है आप लोग को तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि पूरा दिखाओ, आप लोग जो जो करते हो, जो जो काम है, खाना जो भी है आप लोग को अगर देखना आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इस ब्लॉग को यही रहने देते हैं, तो आप लोग किसी को अगर नहीं पसंद आया, अगर शायद किसी को भी नहीं पसंद आया, कहीं बोलने ना लगो कि क्या क्या दिखा दिए बोर कर दी, तो है ना। तो आप लोग अगर देखना है तो आप लोग कमेंट करना जरूर, तो बनाएंगे आप लोग के लिए। हाँ स्पीड वाला कर देंगे थोड़ा सा, रहेगा कम सब हम स्पीड कर देंगे वीडियो को, तो फिर क्या होता है बहुत सारा मतलब बहुत टाइम का हम एक ही वीडियो में ले पाएंगे, फिर तो इस तरह कर देंगे, पर मज़ा आएगा आप लोग को। तो चलो उधर अभी सीज रहा है सब्जी, और उसको बैठे बैठे अभी एडिट कर लेते हैं, नींद जब टूट गया है तो एडिट कर लेते हैं, और मायरा को खिलाते हैं, मायरा का खाना बन चुका है, अब मायरा को खिलाएंगे और उसी में हम लोग भी खा लेंगे थोड़ा देर में। सिंपल दाल चावल सब्जी बन गया है, और करेला का भुजिया खाएंगे, एडिट कर लेंगे अगर अभी ना तो शायद हम थोड़ा सो लेंगे, अगर एडिट नहीं हुआ ना तो फिर नहीं सोएंगे, एडिट करने में टाइम लग जाता है, बड़ा वीडियो हो जाता ना तो उसे कट करना, कहाँ स्पीड करना, ट्राई करना, मेरे हल्का जो भी बनाते मेरे आइडिया करे थे, तो चलो कर लेते हैं अभी के लिए, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग कमेंट करो आप लोग को क्या क्या देखना, और हम क्या क्या करते हैं, कैसे क्या कौन सा खाना, कुछ भी पूछ सकते हो, जो मुझे आएगा जरूर बताएंगे आप लोग को, ठीक है। अगर स्पेशल से कोई भी खाना अगर जानना है आप लोग को तो आप लोग पूछ सकते हो, तो अगर मुझे वो खाना आता होगा तो हम बताएंगे। और वैसे मुझे ज़्यादातर बिहारी स्टाइल मतलब मेरे स्टाइल का खाना आता है, बिहारी स्टाइल नहीं बोलना अच्छा होगा, क्योंकि हम हर खाना को अपने तरीके से एक लुक देते हैं और अपने तरीके से मसाला को ज़्यादा ऐड करते हैं, तो ये मेरे स्टाइल है, मम्मी से सीखे कुछ और ससुराल से सीखे नहीं जाता, तभी हम अपना ही ज़्यादा ट्रिक यूज़ करने लगे थे, ससुराल से सिखाने के टाइम मतलब तो ये बता नहीं, मुझे नहीं बिहार ससुराल का खाना मुझे ज़्यादा मतलब वो पतला वो पचफोरन वाला सब्जी था, अब हम मेरे घर में बिहारी वाला खाना खाया थे तो पचफोरन वाला सब्जी मुझे पसंद नहीं आता था, तो बस हम तो D1 से खाना D1 गया, मतलब सेकंड डे जो खाना बनाने का स्टार्टिंग हुआ तो वही 24 घंटा के मतलब बाद ही बना था, सेकंड डे हम दोपहर का लंच रेडी कर रहे थे, तो उस दिन से जो स्टार्ट किया था उसके बाद से हम खुद ही बनाने लगते, तो मतलब मेरे हर सब्जी में हर कोई भी खाना में हम अपना ठीक जरूर कुछ भी यूज़ करते हैं, कि उसे ज़्यादा थोड़ा सा मतलब खुशबूदार खाना बनाए, थोड़ा टेस्टी बनाए, जो मतलब खा के पेट भर जाए लेकिन मन ना हो, तो ऐसा करते हैं और ऐसा हम किए भी है, तो आप लोग जरूर
तो आप लोग को भी ऐसा फीलिंग जरूर आया पक्का। ये वाला सब्जी खा के देखना, आप लोग खाए होंगे संजाना का सब्जी, बिहारी वाला भी खाए होंगे, बंगाली वाला भी, और मेरे वाला खा के देखना जरूर। ये धनिया पत्ता जरूर मिलाना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके गया था, तो उसमें मौली मसाला डाले थे आपको, अगर देख के पता चल गया तो ठीक है, और नहीं पता चला तो फिर आप लोग पूछ सकते हो। तो चलो कुछ भी पूछो, और हम थोड़ा बहुत मेकअप भी सीखेंगे, अगर किसी लड़की को कुछ भी जानना है तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हो, है ना, तब ज़्यादा मजा आएगा। जैसे कि कल एक कमेंट आया था, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, क्या बी बी लिम्फा कुछ ऐसे ही था, तो वो मेरा वीडियो नया देख रही है, वो कमेंट करके मुझे ना अच्छा लगा। आप लोग को आइडिया नहीं है कि मतलब कोई इस तरह से बोलता ना कि मेरा नया मेरा वो वीडियो तुरंत अभी देखना स्टार्ट किया है, या फिर वो बहुत टाइम से देखते हैं, या फिर मोटी मेरा पढ़ने के बाद कमेंट मज़ा आता है। और मेरे मेरे पीछे यानी मेरे बैकग्राउंड से कोई भी कैमरा वाले नहीं है, मतलब कैमरा की दुनिया से नहीं है, हम ही पहला स्टार्ट है।